मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान आज पाचन क्रिया को बढ़ाने के उपाय बताएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा हाजमा ठीक नहीं है, हम जो खाते हैं वो पचता नहीं है। इसका मतलब उनकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है। उनको बढ़ाने के लिए आपको पहले ध्यान देना होगा कि भारी चीज़ें ना खाएं और अपना खाना समय पर ही खाएं। जितनी भूख है उतना ही खाएं, लेकिन भूख बढ़ाने के लिए हम कुछ उपाय बताते हैं जो आपको घरेलू उपाय हैं। उनके लिए आप साबुत अनाज यानी कि अनाज को पानी में भिगो करके रात को रख दें, सवेरे जब वो नरम हो जाए तो उनको चबा चबा करके खाएं। दूसरा है पपीता। पपीता खाने से भी हाजमा दुरुस्त होता है और यह कोलेस्ट्रॉल और दिल के रोगियों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। पुदीने की पत्ती, पुदीना लो, उसकी पत्तियां लेकर के उनकी चटनी बनाओ या उसको सुखा कर के उसका चूर्ण बना करके रख लें। उसको सब्जी में, चूर्ण को आप छाछ में किसी भी तरीके से प्रयोग करते रहें, आप पुदीने की चटनी बना करके खाते रहें तो आपका हाजमा की समस्या जो है वो दूर हो सकती है। इस प्रकार से अदरक का पानी भी आपके हाजमे को बढ़ाने में लाभदायक होता है। पहले एक प्रथा थी कि हम भोजन के बाद सौंफ और मिश्री या गुड़ वगैरह खाते थे, लेकिन अब आजकल वर्तमान काल में ये सब भूल गए हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम ये चल गई हैं, तो जिससे हाजमा कम हो जाता है। आप खाने के बाद में सौंफ का प्रयोग करें और सब्जी में अधिकतर आप पत्तीदार सब्जियां खाएं, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, फाइबर मिलेगा और पाचन क्रिया भी ठीक होती है। चिया सीड्स से भी पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आपका हाजमा यानी कि पाचन क्रिया ठीक ना हो तो आप चुकंदर या चुकंदर का रस, चुकंदर की सब्जी बना करके आप खा सकते हैं, और सेब भी आपके पाचन क्रिया को बढ़ाता है, तो सेब का जूस लें या सेब खाएं। सेब खाने से आपको फाइबर भी मिलेंगे, इससे अनेक लाभ मिलेंगे। ये दिल के रोगी के लिए भी ठीक है और ताकत के लिए भी ठीक है। अब आती है, अगर इन चीज़ों से आपका सुधार नहीं होता तो आप आयुर्वेदिक चूर्ण आते हैं मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे, हिंगवास्टिक चूर्ण और लवण भास्कर चूर्ण, या एक गुरु आयुर्वेद का पाचन, स्वादिष्ट पाचन चूर्ण आता है, आप उनको थोड़ा थोड़ा सा लेकर के उनका प्रयोग करें। अगर लीवर बिल्कुल ठीक है तो आपका हाजमा ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि आप अपने लीवर पर एक्स्ट्रा लोड ना डालें, फ्राइड चीज़ें ना खाएं, तली वाली चीज़ें ना लें, और परांठे, पूरी, कचौड़ी, मांस मच्छी, समोसे, छोले भटूरे, इन चीज़ों से आपकी डाइजेशन कमज़ोर ही होगा। अतः जब तक आपका डाइजेशन ठीक ना हो इन चीज़ों से दूर रहें। नमस्कार। जय जय आयुर्वेद।